तो तुम्हारा बजट के 27th पार्ट में स्वागत है। और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 131 से 140 तक, यानी कि 10 चैप्टर्स। और अगर तुमने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझे पता है कि ये वीडियो काफी लेट आई है, लेकिन फिक्र मत करो, 1 जुलाई को मेरे पेपर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम फिर से रेगुलर हो जाएंगे। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। साथे रीकैप। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि गर्ड्स जैसे से आयरन चेन नाइट्स के चुंगल से निकल जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक व्हाइट हॉक जो कि ज़ोथ पर अटैक करता है। सपने में गर्ड्स को सिग्नल मिलता है कि कैसिका की जान को खतरा है, इसलिए फिर वो वापस रिकेट के पास जाता है और उधर जाकर उसे पता चलता है कि कैसिका वहां से भाग गई है। और अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 131 टू होली ग्राउंड पार्ट 1। रिकेट एरिका को सुलाकर काम कर रहा होता है, तभी गोटो भी नीचे आता है और गर्ड्स की तलवार फॉर्ज करने लगता है। उसके बाद अगली सुबह गर्ड्स अपनी तलवार लेकर निकल रहा होता है। जाते हुए वो रिकेट से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि आसपास कोई होली ग्राउंड हो जहां ब्लाइंड शीप इकट्ठे होते हो। रिकेट कहता है, अरे याद आया, अगर तुम इस रोड से सीधे नॉर्थ की तरफ 3 दिन तक चलोगे तो तुम LPN पहुंच जाओगे, जो कि काफी पुराना टेम्पल है। मुझे नहीं पता क्यों, पर उसे टावर ऑफ कन्विक्शन भी कहते हैं। मुझे ब्लाइंड शीप के इकट्ठे होने के बारे में नहीं पता, लेकिन उधर रेफ्यूजीज आकर जरूर रह रहे हैं जिनके शहर प्लेग की बीमारी से खत्म हो गए हैं, और वो टावर एक तरह का इंक्विशन ही है। इंक्विशन का मतलब जहाँ लोगों की इंक्वायरी होती है और उन्हें सजा दी जाती हो। गर्ड्स ये सुनकर समझ गया था कि ये वो जगह हो सकती है जहाँ मैंने कैसिका को जलते हुए देखा था, और फिर वो उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि 1 महीने पहले फेरनेस और आयरन चेन नाइट्स अपने महल से निकलकर जा रहे होते हैं और उनके शहर के लोग भी वहां से जा रहे होते हैं, क्योंकि ये प्लेग और भुखमरी सिर्फ मिडलैंड में ही नहीं हर जगह फैल रही थी। तभी अजान कहता है, कुछ दिनों पहले मिडलैंड पर कुछ आनारबी ने हमला करके उस पर कब्जा कर लिया है और क्वीन शार्लेट का भी कुछ अता पता नहीं है, और अब हम भी LPN की तरफ जा रहे हैं जहाँ से मिडलैंड का बॉर्डर काफी पास है और कुशान तो हमारे वैसे भी दुश्मन है। फेरनेस कुछ परेशान लग रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अभी अपने कैसल के कोर्ट से होकर आई थी जहाँ उसके हायर अप्स ने उसे खूब सुनाई, क्योंकि वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को पकड़ने में कामयाब नहीं रही, इसलिए लोग उनके साथ चलते हुए एक व्हाइट वैगन को भी देख रहे थे जिसके ऊपर 4 पहिए लगे हुए थे और कह रहे थे कि ये तो उस इंक्विस्टर मौजगस की वैगन है। चैप्टर 132 टू होली ग्राउंड पार्ट 2। तभी उस वैगन पर कुछ लोग एक सरप्राइज अटैक कर देते हैं जिसका फेरनेस और उनके साथियों को अंदाजा भी नहीं था, और एक आदमी जाकर उस वैगन का दरवाजा खोल देता है, लेकिन तभी उसके अंदर से एक हथियार निकलता है और उसका मुंह चकड़ लेता है। 2 लंबी सी ब्लेड आती है और कुछ आदमियों को बीच में से काट देती है। एक बंदे की प्लास से उसकी आंखें निकाल ली जाती है और एक बंदे की वो कांटेदार हथियार से गर्दन दबा लेते हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है कि पीछे खड़े मौजकस के साथ उसके 6 रूथलेस बॉडीगार्ड भी थे। तभी भागते हुए फेरनेस आती है और मौजकस से माफी मांगती है कि हमें पता नहीं चला कि ये अटैक एकदम से कैसे हो गया। मौजकस कहता है, कोई बात नहीं फेरनेस, ये तो होता रहता है। मौजकस फिर उस आदमी से पूछता है, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? वो कहता है, रिवेंज, तुमने हमारे पूरे गांव को जला दिया था क्योंकि तुम्हें शक था कि हमारे गांव के लोग हेरेटिक्स हैं। हेरेटिक्स मतलब कि जो गॉड को ना माने और उनकी बेइज्जती करे। वो मौजकस से कहता है, इन पापों के लिए तुम्हें भगवान सजा जरूर देगा। मौजकस को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी किताब से उसका सर फाड़ देता है। मौजकस फेरनेस से पूछता है, फेरनेस एक प्रीस्ट पर अटैक करने की सजा क्या है? फेरनेस कहती है, मौत माय लॉर्ड। उसके बाद वो उन लोगों के हाथ और टांगों को तोड़कर उन्हें व्हील पर बांध देते हैं और डंडे से उठाकर लटका देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां भीड़ में पीछे कैसिका भी खड़ी थी। चैप्टर 133 द कुशान स्काउट्स पार्ट 1। हम देखते हैं कि किसी गांव में एक बच्चे को 4 लोग घेर लेते हैं। वो बच्चा पहले मना कर देता है कि ये वो खाना बहुत मुश्किल से कुशान के लोग उसे चुरा कर लाया है, लेकिन फिर उनके धमकाने के बाद उसे वो खाना देना ही पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो उसका खाना खाने लगते हैं, उनमें से एक आदमी बेहोश हो जाता है और फिर वो उन्हें दिखाता है कि असली खाना तो यहाँ है, और एक बंदे को वो डंडा मार कर बेहोश कर देता है और कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मेरा नाम इशिदोरो है।
और उनसे कहता है फिकर मत करो, इसमें हल्का ही पॉइजन था, तुम मरोगे नहीं। तभी उनके और बंदे वहां आ जाते हैं और इशिदोरा एक्टिंग करने लगता है और रो कर उन्हें कहता है कि कुशान ने उनके बंदों का ये हाल किया है। वो उससे पूछते हैं अच्छा तो वो अब कहाँ है। वो ऐसी झूठ मूठ इशारा करते हुए कहता है उस तरफ, और तभी उस आदमी का सर ब्लेड से कट जाता है और हम देखते हैं कि सच में वहाँ कुशान की आर्मी आ जाती है। वो सब अपनी फुर्ती दिखाकर कुछ सेकंड्स में ही उन सब को खत्म कर देते हैं। पीछे छिपे इशिदोरा को भी वो ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ गट्स की एंट्री होती है। इशिदोरा कहता है ये कौन है और यहाँ मरने के लिए क्यों चला आ रहा है। चैप्टर 134 द कुशान स्काउट्स पार्ट 2। कुशान उस पर हमला करते हैं और गार्ड्स अपनी तलवार घुमाकर उन्हें एक साथ काट देता है। वो बच्चा गार्ड्स की ताकत देखकर हैरान हो जाता है। गार्ड्स कहता है ये लोग मुझे सही वक्त पर मिल गए, अब मैं अपनी नई तलवार को टेस्ट कर सकता हूँ। गार्ड्स कहता है बच्चे साइड हो जाओ। तभी ऊपर से एक बंदा आकर उस पर हमला करता है जिसे वो बिना देखे घुसण मार कर बेहोश कर देता है और फिर वो उन्हें काटना चालू करता है। उन कुशान की स्पीड गार्ड्स के लिए बच्चों का खेल था। उसके बाद वो उसे घेर कर चारों तरफ से अटैक करते हैं, लेकिन गार्ड्स उछल कर वहाँ से निकल जाता है और पीछे आकर सबको खत्म कर देता है। गार्ड्स कहता है ये लोग कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे, और फिर बिना वक्त गवाए वो वहाँ से आगे जाने लगते है और उससे इम्प्रेस होकर इशिदोरा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। पीछे कुशान के कुछ आदमी खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उसमें से एक आदमी कहता है क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे मास्टर, और उनका मास्टर कहता है अभी हमारा काम सिर्फ स्काउटिंग करने का है, हम शायद उसे मार दें लेकिन हमारे भी काफी सोल्जर्स खत्म हो जाएंगे, और मैं ये इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं इससे पहले भी लड़ चुका हूँ। तुम्हें याद होगा ग्रिफिथ को बचाने से पहले गार्ड्स से लड़ता है, और एक चीज ध्यान से देखो कि इन बंदों के टीके लगे हुए हैं, कुछ हद तक हमारे जैसे ही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गार्ड्स भी लगभग उस शहर के पास आ चुका है जहां उसे पहुंचना था। चैप्टर 135 टावर ऑफ शैडो पार्ट 1। अब हमें दिखाया जाता है टावर ऑफ कन्विक्शन जिसके बाहर कई सारी झोपड़ी भी थी जहाँ कई सारे रेफ्यूजी रह रहे थे जिनकी कंडीशन बहुत खराब थी और उन्हें खाने के लिए भी टावर से बहुत कम मिलता था, और जो भी गॉड के अपोज जाने की कोशिश करता था वो उसे गंदी तरह मार कर उन सबके सामने लटका देते थे। अब जैसे ही टावर के लिए वहाँ खाना आता है वो सब के सब जाकर उनसे खाने की भीख मांगने लगते हैं। तभी पीछे से आयरन चेनाइट्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और फेरनेस कहती है कैसे बिलीवर्स हो तुम लोग, तुम्हें पता है ना टावर की प्रॉपर्टी पर तुम्हारा कोई हक नहीं। तभी एक लाचार औरत उसे कहती है हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है और मेरी बॉडी में इतनी भी ताकत नहीं कि मैं अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकूं, प्लीज कुछ करिए वरना ये मर जाएगा। पीछे से मौजकस आकर कहता है गॉड सब पर रहम करते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फैंडेस कहती है लेकिन लॉर्ड इन्होंने रूल तोड़ा है, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। मौजकस कहता है गॉड भी चाहते हैं कि हम इन लाचारों की मदद करें। फिर वो उस औरत को अपने साथ टावर कन्वेंशन में ले जाता है। अंदर डॉक्टर उस बच्चे का चेकअप करता है और उसे बताता है कि कोई घबराने की बात नहीं है, बस इसे सही से खाना और रेस्ट देने की जरूरत है। वो औरत मौजकस का शुक्रिया कर रही होती है। मौजकस कहता है इसमें मैंने कुछ नहीं करा, ये सब तो गॉड की मर्जी थी। फिर वो कहता है चलो अब तुम्हें गॉड के लिए भी कुछ करना होगा। उसके बाद वो उसे एक रूम में ले जाता है और जैसे ही उसके दरवाजे खुलते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ लोगों को बुरी तरह टॉर्चर करा जा रहा था, वो भी बहुत ही गंदी तरीके से। किसी को कांटों पर बिछा रखा था तो किसी का शरीर जलाया जा रहा था और कईयों के तो प्राइवेट पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करा जा रहा था। ये देखकर फेयरनेस और उस औरत की हालत खराब हो जाती है। मौजगस कहता है ये तुम्हारा टेस्ट है, मैं दुआ करता हूँ कि तुम बिना मरे इसे पास कर लोगी। और फिर मौजगस के आदमी उस औरत को ले जाकर उसके कपड़े उतार कर उसे कोयले से जलाने लगते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। इंस्टा में मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी खोल दिया है मेंबर्स ऑफ गॉड हैंड, जाकर ज्वाइन करो। चैप्टर 136 टावर ऑफ शैडो पार्ट 2। हम देखते हैं कि मौजगस के ऑर्डर पर और लोगों को सजा देने के लिए वहां से ले जा रही होती है। तभी वो औरत आती है जिसने अपने बच्चे को बचाने के लिए वो टॉर्चर सहा था। हम देखते हैं कि उसके बच्चे की हालत और खराब हो चुकी है और वो उससे मदद की भीख मांग रही होती है। हम देखते हैं कि एक झोपड़ी के अंदर आयरन चेन नाइट्स का एक सोल्जर एक प्रोस्टिट्यूट को पेल रहा होता है। वो उसे कहती है तुम अपने ड्यूटी के टाइम पर यहाँ हो, तुम्हें अपने कमांडर से डांट नहीं पड़ती। वो कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हमारे कमांडर की लीडरशिप बहुत बेकार है, कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता। वो तो आयरन चेन नाइट्स की प्रथा है कि उनका लीडर सिर्फ एक लड़की बनती है, बस इसीलिए वो हमारी कमांडर है। और मैं तुम्हारे पास इसलिए आता हूँ ल्यूका,
क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी एकदम से कैस का आकर उन्हें सरप्राइज कर देती है। जाते ही वो उसे गिफ्ट में एक महंगा नेकलेस देकर जाता है, जिसके बाद वो उसके टुकड़े कर उसकी मोती छोटे छोटे बच्चों में बांट देती है। वो कहती है, अगर हम सबको जिंदा रहना है तो ऐसे ही एक दूसरे की मदद करनी होगी। उसके बाद वहाँ एक और लड़की होती है नीना, जिसके साथ कैस का बाहर नदी से पानी लेने के लिए जाती है। नदी के पास नीना नोटिस करती है कि उसके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था और उसके मुंह में भी स्वेलिंग हो रही थी। नीना को डर लग रहा था कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई। तभी कैस्का के ब्रांड से खून आने लगता है और नदी के पास पड़ी हुई लाशें उठने लगती हैं। चैप्टर 137, चिल्ड्रन ऑफ शैडो। आई वो डीमंस उस पर हमला करते उसे पहले ही नीना उसे वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ हम टावर के अंदर देखते हैं तो वो सोल्जर्स अपनी कमांडर फेरनेस की बेइज्जती कर रहे होते हैं और फेरनेस सारी बातें सुन लेती है लेकिन कुछ कहती नहीं है, बिकॉज यार वो सच बोल रहे हैं और सच कड़वा ही होता है। उसके बाद वो मौजगत से मिलने के लिए जाती है, जहाँ रास्ते में उसके दो एग्जीक्यूशनर चिड़िया को दाना डाल रहे होते हैं और वो ये देख हैरान थी कि इन जैसे खूंखार लोग भी ऐसे काम कर सकते हैं। तभी उसका तीसरा एग्जीक्यूशनर वहाँ आता है और इन्हें मौजगत से मिलवाने ले जाता है। रास्ते में फेरनेस को बताता है कि तुम उन दोनों को देखकर हैरान हो गई थी ना, क्या है कि हम एग्जीक्यूशनर्स को हमारे लुक्स के पीछे हमें बहुत हेट और परेशानी का सामना करना पड़ा है। उसके बाद वो अपना मास्क उतारता है और उसे बताता है कि मैं ये मास्क इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मुझे एक डिजीज है। जब भी मैं सनलाइट में आता हूँ तो मेरी स्किन पूरी तरह जल जाती है। इसकी वजह से मुझे अपने गाँव से भी निकाल दिया गया था और मैं जंगल में काफी दिनों तक जली हुई हालत में पड़ा हुआ था। सब हमें एक मॉन्स्टर की तरह ही ट्रीट करते थे, लेकिन तभी एक दिन लॉर्ड मौजगस मेरे पास आते हैं और मेरे जले हुए शरीर को देखकर वो डरे नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे सहारा दिया और मुझे मेरी जिंदगी में एक मकसद भी दिया। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि गॉड्स ने हमें एक स्पेशल काम के लिए बनाया है, इसलिए हमें अपने ऊपर गर्व करना चाहिए। उसके बाद वो लॉर्ड मौजगस से मिलने चैपल पर आ जाते हैं, जहाँ वो प्रेयर कर रहा था और तभी वो एकदम से जमीन पर गिरता है। चैप्टर 138, फियर्स बिलीवर। हम देखते कि मौजगस फिर दोबारा खड़ा होता है और अपना शरीर बार बार जमीन पर मार रहा था। वो बंदा उन्हें बताता है कि लॉर्ड मौजगस ऐसा डेली हजार बार करते हैं, ये उनकी प्रेयर है गॉड के लिए। पीछे से सेप्रिको कहते हैं इसलिए इनकी शक्ल ऐसी है। फिर मौजगस वहां आकर फेरनेस से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ काम है? फेरनेस उसे कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं, इन हेरेटिक्स को पकड़कर इन्हें टॉर्चर करना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारा उद्देश्य क्या है, मेरी पूरी आर्मी को भी समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ कर ही क्या रहे हैं। मौजगस उसे गॉड के नाम पर काफी बातें सुनाते हैं और उसे पहला फुसला कर कन्विंस कर लेते हैं। वो भी उसकी बातें सुनकर उसके सामने झुक कर उसे सम्मान देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीना के पास एक लड़का आता है। नीना कहती है, जोकिम आज मेरी तबीयत सही नहीं है, तुम किसी और लड़की के पास चले जाओ। वो कहता है, मैं उसके लिए नहीं आया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन नीना गुस्से में उस पर चिल्ला देती है और कहती है, अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो ऐसा करो, आज आधी रात को नदी के पास आकर मुझसे मिलना। उसके बाद वो आधी रात को उससे मिलने आता है। नीना उसे गले लगाती है और उसे पूछती है, क्या तुम उसे प्यार करते हो? वो कहता है हाँ। नीना कहती है, क्या तुम मेरे साथ मर भी सकते हो? वो कहता है हाँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। वो कहती है, ठीक है तो चलो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाती हूँ जहाँ इस दुनिया का अंत है। पीछे से वही प्रोस्टिट्यूट लड़की ल्यू का उसे देख रही थी और वो उसका पीछा करती है और पीछे कैस का ल्यू का पीछा कर रही होती है। चैप्टर 139, बाउल्स ऑफ द होली ग्राउंड। हम देखते कि वो उसे एक गुफा में ले जाती है जहाँ बीच में आग जल रही होती है और उसके इर्द गिर्द कई सारे नेकेड लड़के और लड़कियां नाच रहे होते हैं और कर रहे थे। एक गोट मास्क पहनकर तीन चार लड़कियों के साथ एक साथ लगा होता है। उसके बाद नीना उसे नीचे ले जाती है और वो अपने कपड़े उतार कर लड़कियों के साथ शुरू हो जाती है और फिर वो जोकिम के साथ करती है। उस आग में एक पॉट भी लगा हुआ था और उसमें उन्होंने एक ऐसा पोशन डाल रखा था जिससे उसे इल्यूजन्स दिख रहे थे और वो बस नशे में डूबता जा रहा था। उसके बाद नीना उसे अपने गोट लीडर के पास ले जाती है। अब जो ये आधा गोट और आधा इंसान वाली जो चीज है ना, ये हमें बजर्क में कई बार दिखाई है, तो रियलिटी में ये हाफ गोट और हाफ ह्यूमन कुछ डीमंस की वर्शिप से रिलेटेड है। मैंने कुछ हॉरर फिल्म्स में भी इन्हें देखा है। अब नीना उनके लीडर से कहती है कि ये भी हमें ज्वाइन करना चाहता है। वो उससे कहता है, आज के बाद तुम्हें बस गॉड की बुराई करनी है। उसके बाद नीना के कहने पर वो उसकी छाती पर चूमता है। नीना कहती है, बस अब तुम्हें ये सूप पीना है और तुम हम में से एक हो जाओगे। वो जैसे ही वो सूप पीता है, एक उंगली आकर उसके मुंह में अटक जाती है
वो ये देख हैरान हो जाता है और वो जैसे ही उस स्पॉट की तरफ देखता है तो उधर इंसानों के बच्चों को मारकर वो सूप बनाया जा रहा था। वो ये सब देखकर घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। नीना उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन फिर वो अपने साथियों से कहती है इस आदमी को मार दो, बने बाहर जाकर हमारा राज खोल देगा। वो सब उसका पीछा करने लगते हैं और जोकिम का घबराहट के कारण पैर फिसल जाता है और खाई में नीचे गिर जाता है। चैप्टर 140 द विच। जोकिंग में नीचे गिरने के बाद वो सब वहां से चले जाते हैं लेकिन नीना वहां खड़ी जोर जोर से हंस रही होती है और फिर बाद में उसकी हंसी रोने में बदल जाती है। पीछे से ल्यूका आती है, वो उसे कहती है मेरे पास मत आना, लेकिन अभी भी ल्यूका रुक नहीं रही थी। नीना कहती है अगर तुम मेरे पास आई तो मैं चीख कर अपने साथियों को बुला दूंगी और ल्यूका उसके पास आकर उसके दो चार खींच कर चाटे लगाकर उसे होश में लाती है और फिर नीना रोने लगती है और कहती है कि मेरी वजह से जोकिम मारा गया। ल्यूका उसे वहां से लेकर जाने लगती है, तभी वो देख देगी कि कैस्का उसके पीछे पीछे वहां आ चुकी थी और उन सब ने उसे घेर लिया था। तभी वो कैस्का की पट्टी उतार कर देखते हैं कि ये तो बहुत सुंदर लड़की है और फिर वो उसके कपड़े फाड़ कर उसका रेप करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कैस्का को एक्लिप्स की घटना की याद आने लगती है और वो चीखने लगती है। इससे पहले ल्यूका उसे बचाने आती वहां कई सारे डीमंस आ जाते हैं और उन आदमियों को खा जाते हैं। एक इनकबस भी उसके सामने आता है लेकिन उसके छूने से पहले ही वो सारे डीमंस के साथ गायब हो जाता है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि ये सारे डीमंस उसे हार्म क्यों नहीं कर रहे हैं जैसे गट्स को करते हैं, ये तो उल्टा उसकी मदद कर रहे हैं। बाकी के लोग ये देखकर उसके सामने झुक जाते हैं और पीछे खड़ी ल्यूका और नीना ये देखकर हैरान हो जाते हैं। नीचे हम देखते हैं कि जोकिम को कोई नदी से बाहर निकालता है और तभी हमें अंधेरे में दो आंखें दिखाई जाती हैं जो कि साफ दिख रहा है कि ये मौजकस की है। और यही ये 10 चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं। अगर तुम नए और तुमने मेरी वेगाबॉन्ड की सीरीज नहीं देखी है तो उसे देखने के लिए यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें बताइए। आज के लिए बस करते हैं, अरिगातो।